सो एवरीवन और एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। फिलहाल जो ये दो चाबियां आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये चाबियां हमारी बिलोंग करती हैं इस प्रोडक्ट को। ये है आपके सामने काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग एसयूवी किया सेल्टोस, और ये इसका एसटीएक्स वेरिएंट है पेट्रोल मैनुअल के साथ। अभी इस गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, क्यों इस वेरियंट की तरफ जाना चाहिए, वो दो तीन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एकदम टॉप मॉडल जैसी वाइब देती है। सबसे अच्छी चीज़ के बारे में, ऑलमोस्ट जितने भी फीचर्स हैं मतलब टॉप मॉडल से सिमिलर आपको मिल जाते हैं। गाड़ी की वाइब जो है वो भी टॉप मॉडल जैसी ही है। और अगर आपको जाना नहीं है टॉप मॉडल तक और आपको चाहिए कुछ ऐसा ही, तो डेफिनेटली आप इस वेरिएंट की तरफ जा सकते हो। अभी ये एसटीएक्स वेरिएंट आपको क्या क्या चीज़ ऑफर कर देता है, उन सभी चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहली चीज़ इस गाड़ी का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। ये दरवाज़ा मैंने नहीं खोला हुआ, उसको इस मत देखना। इसका प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको कॉस्ट करती है 15,19,000 रुपये एक शोरूम दिल्ली फरीदाबाद के अंदर। अब इस प्राइस पॉइंट पे इसका एसटीएक्स वेरिएंट क्या क्या चीज़ आपको ऑफर करता है वो आपको बताते हैं। कुछ इस तरीके की यहाँ पे चाबी आती हैं, यहाँ पे किया का लोगो है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे चार कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, डोर्स को लॉक करने के लिए बटन है, अनलॉक करने के लिए बटन है। इस बटन को होल्ड करके रखोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और इसको होल्ड करके रखोगे तो बूट अनलॉक हो जाएगा। सेम चाबियाँ हैं दोनों और सेम कंट्रोल्स के साथ ही हैं। तो अभी इनको रख लेते हैं पॉकेट में। अभी प्रोडक्ट की हम बातचीत करें, सो ये है इस गाड़ी की डायमेंशन वगैरह देख लेना, कितनी लंबी ऊंची चौड़ी है ये। और फ्रंट से अभी स्टार्ट करें तो इसकी लुक्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसी लगती हैं वो मुझे बताना कमेंट्स में, क्योंकि अब तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है इस सेगमेंट में। तो आपकी प्रेफरेंस क्या है, अगर इस प्राइस पॉइंट पर आपको एक ऐसी पेट्रोल एसयूवी लेनी हो तो इसके मतलब लुक्स के बारे में आपके क्या ओपिनियंस हैं, और अगर आपको जाना हो तो आप इस सेगमेंट में कौन सी गाड़ी को लेना प्रेफर करोगे। बाकी हम फ्रंट से स्टार्ट करें तो काफ़ी स्लीक से काफ़ी मस्त से यहाँ पर अपना हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं, जो कि एलईडी बेस आपको मिलते हैं। ये इसकी प्रॉपर DRLs हैं जो कि अभी फेसलिफ्ट के दौरान ही चेंज हुई हैं। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिकेटर्स वगैरह हैं, नीचे आइस क्यूब टाइप यहाँ पे फॉग लैंप्स आपको मिल जाते हैं, जो कि टॉप वेरिएंट के अंदर भी आपने देखे होंगे। पहले 3 आया करते थे, अब ये 4 हो चुके हैं। पूरी क्रोम की यहाँ पे ग्रिल मिलती है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, लोअर लिप जो है सिल्वर का मिल जाता है, नंबर प्लेट आएगी यहाँ पे। और ये है इसका फ्रंट एरिया, आप देख सकते हो काफ़ी बड़े से मतलब इसको लिप्स मिलते हैं। अगर आप इसका वो वाला वेरिएंट देखते हो ना, क्या कहते हैं एक्स लाइन वाला वेरिएंट, तो वो रियलिटी में बहुत ज़्यादा बैडास लगती है भाई। जैसा इसका स्लोगन था ना वो, जब ये मार्केट के अंदर आई थी, तो रियलिटी में बैडास लगती है, बढ़िया उसके अंदर एकदम जो स्टांस है उस गाड़ी का वो ज़बरदस्त लगता है। बाकी आगे बढ़ते हैं, क्लैडिंग जो है गाड़ी के ऊपर अच्छी खासी मिल जाती है। बोनेट के ऊपर आप ये देखोगे तो वेव्स वगैरह जो हैं अच्छी खासी मिलती हैं, बहुत मतलब प्रीमियम सा प्रोडक्ट लगता है अगर आप यहाँ तक आ जाते हो इस गाड़ी को लेने के लिए, मतलब एसटीएक्स वेरिएंट तक आपकी जो है बजट जो है अलाउड कर देता है आपको, तो बहुत प्रीमियम सी लगती है। क्लैडिंग जो मैंने आपको दिखा दी अच्छी खासी मिलती है यहाँ पे। टायर्स की बातचीत करें तो अभी फिलहाल जो है जेके के टायर्स हैं यहाँ पे, और इनका टायर सेक्शन जो है वो है 215/60 R17 17 इंच के कुछ ऐसे आएंगे, गन मेटल टाइप अलॉयज यहाँ पे आगे, और पीछे आपको डिस्क ब्रेक ही देखने के लिए मिलेगी। और इनके बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे बताना कमेंट्स में। वैसे अच्छे लग रहे हैं, सोबर्स हैं, कुछ ज़्यादा फंकी सा नहीं है। बाकी बीच में किया का लोगो है। और ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी की बात करें तो ऑलमोस्ट 190 mm की अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाती है। फेंडर क्लीन है, बॉडी क्लैड ORVMs इंडिकेटर्स के साथ हैं, ये सब आपको बॉडी क्लैड मिलते हैं। ऊपर की साइड सनरूफ भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, पूरी पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, बेसिकली सनरूफ नहीं पूरी पैनोरामिक सनरूफ है। यहाँ पे आप देख सकते हो रूफ रेल्स आ जाती हैं, प्लेन विंडोज़ हैं, और एक क्रोम डोर हैंडल्स हैं, क्रोम लाइन है, जो फ्रेम लाइन है पूरी टेल एंड तक आती है यहाँ पर, और क्वार्टर पैनल वगैरह भी जो है अच्छा खास यहाँ पे दिया हुआ है। इधर की साइड से डलेगा पेट्रोल, पीछे आप देख सकते हो डिस्क ब्रेक आपको मिल जाती है, और पीछे की साइड आते हैं तो ये देखो ब्लैक कलर में लगती है मस्त एकदम बढ़िया। बाकी आपका फेवरेट कलर कौन सा है इस गाड़ी के ऊपर मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। पूरे मतलब कनेक्टेड से यहाँ पे टेल लैंप्स मिलते हैं LED सेटअप के साथ हैं, सेल्टोस यहाँ पे मेंशन है, नंबर प्लेट यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे कोई वेरिएंट का नाम नहीं आता है सेल्टोस पे, आप किसी भी वेरिएंट पे देख लेना। ऊपर साइड शार्पन एंटीना है, स्पॉयलर है, स्टॉप लैंप है, डिफॉगर है, वाइपर है, और जो रिवर्स कैमरा है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। अपना रेयर में 4 पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिल जाते हैं, बैकलाइट यहाँ पे दी हुई है, ये एक्स्ट्रा रिफ्लेक्टर्स हैं, और ये एकदम सब कुछ ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे का पार्ट जो आप देखोगे अपना सिल्वर फॉर्म में दिया। बूट की यहाँ पे बातचीत करें तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक बटन है, जिसे आप ऐसे दबाओगे तो आप अपना बूट जो एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है, और 4x7 liters की यहाँ पे बूट स्पेस आती है। बूट लैंप यहाँ पे आपको मिल जाता है, हुक यहाँ पे आपको मिल जाता है, और जो स्पेयर व्हील है वो आएगा गाड़ी के नीचे ही। ये आपको थोड़ा चेंज मिलता है, ये आएगा ऐसे गुड़ियर का टायर है, और जो टायर सेक्शन है इसका वो है 205/65 R16, ये एक साइज डाउन है और थोड़ा सा चौड़ा भी कम है, दोनों साइड थोड़ी थोड़ी स्पेस और मिल जाती है। 60-40 का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। और अब भी इसको कर देते हैं बंद,
अभी चलते हैं गाड़ी की अंदर इंटीरियर प्रोफाइल के अंदर कि अंदर से कैसी दिखती है। बाहर से तो देखो बिल्कुल एकदम टॉप मॉडल जैसी वाइब देती है, मतलब कुछ आपको ऐसे बाहर से कराने का मन करेगा नहीं इस गाड़ी में। तो मेरे हिसाब से अगर आप ऐसा बाहर से कुछ कराना चाह रहे हो तो उससे अच्छा एक वेरिएंट और ऊपर ले लेना ताकि आपकी गाड़ी बाहर खुलने से बची रहे। बाकी आपका विचार यही है कि हमें बाहर से अपने हिसाब से टेस्टफुली अपनी मॉडिफाई करानी है तो वो चीज़ अलग है। बाकी आगे चलते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिलता है जो कि ड्राइवर साइड आपको मिलेगा। डोर्स की यहाँ पे बातचीत करते हैं तो यहाँ पे आप देख लो, ये देखो पहली चीज़ इंटीरियर एकदम ज़बरदस्त, मतलब इसकी वाइब जो है बहुत प्यारी लगती है। हर चीज़ आपको मतलब एकदम इसकी फिट एंड फिनिश वगैरह जो है सब कुछ आपको ओके लगेगी। डोर मैंस की हम बातचीत करें तो सब यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलता है STX वेरिएंट के अंदर। ये सब कुछ लेदर है, ग्लॉसी ट्रिम्स हैं, सिल्वर डोर लेवर है, ट्विटर है, स्पीकर है, चारों पार विंडोज़ हैं, डायर साइड विंडो जो है वन टच अप डाउन भी आपको मिल जाती है, विंडोज़ के लॉक, डोर्स के लॉक, ORMs के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स मिल जाते हैं फोल्ड करने के लिए और इन्हें एडजस्ट करने के लिए। स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ पे है और इसी के नीचे जस्ट आपको बोतल होल्डर स्पेस जो है वो मिल जाते हैं। इसका प्लेट्स आती हैं गाड़ी के अंदर सेल्टोस की, ये इसके ब्लू कलर जो आप देख रहे हो प्रोटेक्शन है, ये एक्चुअल में थोड़ा एल्युमिनियम टाइप फील आपको देंगे। सेल्टोस यहाँ पे मेंशन है। 6-way मैनुअल एडजस्टेड यहाँ पे आपको सीट मिल जाती है। फ्यूलिड खुलेगा यहाँ से खुलेगा गाड़ी का बोनट। नीचे 3 पेडल्स हैं, डेड पेडल के लिए अलग से प्लेसमेंट दी हुई है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल की बटन है, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली बटन है, लाइट लेवलिंग डायल है। इंटीरियर थीम देखो आप, लाजवाब। अभी अंदर चलते हैं, अंदर बैठ के बातचीत करते हैं इस गाड़ी के बारे में कि ये क्या ही आपको ऑफर कर रही है ऐसा जो मार्केट में इतने अच्छे खासे नंबर से बिकती है। अभी तो इसकी जो सगी बहन क्रेटा आती है उसका मतलब फेसलिफ्ट आया, तो अभी दोनों बहन जो है मार्केट के हिसाब से अपडेट हो चुकी हैं। एक सेकंड बात करते हैं इन सब की, तो मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। एक बार इस बटन को दबा देता हूँ, ये लो जी, यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम आपका जो है ये ऑन हो चुका है। गाने वाने आप इस सिचुएशन में यहाँ पे प्ले कर सकते हो और ये अच्छा खासा है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी है। इसकी बातचीत करेंगे एक सेकंड। सेकंड टाइम जब मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये लो जी, ये यहाँ पे ऑन हो चुका है क्लस्टर। और ये है तो डिजिटल पर ये वो वाला डिजिटल नहीं है जिसके अंदर मतलब वो एनालॉग डायल्स वगैरह जो आते हैं, ये सिंपल कुछ इस तरीके से हैं जो विंग्स खुलते हैं साइड में, वो वाला सिस्टम है इसके अंदर। बाकी सब कुछ डिजिटल है, विजिबल है और नंबरिंग अच्छी खासी दी हुई है, मतलब ऐसा आपको लगेगा नहीं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा फिर कुछ भी ऐसा कि इसके अंदर कोई कमी आपको फील हो रही होगी। नंबर्स वगैरह की मैं बातचीत कर रहा हूँ बहुत एक्यूरेट से, जो नंबर साइज है वो भी दिया हुआ है। इधर साइड स्पीड आ जाएगी, इधर साइड RPMs आ जाएंगे, बीच में आप देख सकते हो सीट बेल्ट रिमाइंडर, TPM इसकी नोटिफिकेशन और आउटसाइड टेम्परेचर कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, इधर साइड फ्यूल, इधर साइड टेम्परेचर और बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ आ जाते हैं अपने वाइपर्स के कंट्रोल, इधर आ जाते हैं हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको ऑफर कर देती है ये गाड़ी। बाकी स्टीयरिंग व्हील की बातचीत करें तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का मिलता है स्टीयरिंग व्हील का व्यू, शानदार सा लेदर रैप्ड है, फ्लैट बॉटम है और इन हैंड फील जो है बहुत स्पोर्टी सी है, मतलब बहुत छोटा सा लग रहा है हाथ के नीचे, प्यारा सा एकदम। यहाँ पे किया मेंशन है और यहाँ पे आपको एयरबैग का मार्क मिल जाता है, 6 एयरबैग आपको पता है गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड आते हैं बेस वेरिएंट से। यहाँ पे सेल्टोस मेंशन है। एडजस्टमेंट की इसकी बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ है नहीं इसके बारे में जो आपको मतलब मैं एक पॉइंट करके बताऊँ कि भाई इसके बिना गाड़ी चलेगी नहीं और ये आपको करानी पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल से ज़्यादा चीज़ें गाड़ी आपको ऑफर कर देती है। ये यहाँ की बातचीत थी, डैशबोर्ड दिखाता हूँ एक साइड में, पूरी पैनोरामिक सनरूफ आती है। अभी आप ये देख लो कुछ इस तरीके से, कर्टन हटा के दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये लो ये पूरी पैनोरामिक सनरूफ आती है यहाँ पे। इधर साइड वैनिटी मिरर है, एयरबैग की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, वाइट लाइट आती है पूरे केबिन के अंदर आप देख सकते हो जो कि इस बटन से एक बार में जल जाती हैं। सनग्लास होल्डर की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाती है, एक स्मार्ट IRVM यहाँ पे आपको मिलता है SOS कनेक्टिविटी के साथ, रोड साइड असिस्ट के यहाँ पे बटन है, किया कनेक्ट के यहाँ पे बटन आपको मिल जाती है। इधर की बातचीत करें तो टिकट होल्डर की प्लेसमेंट भी यहाँ पे आपको दी हुई है। डैशबोर्ड का व्यू देखो शानदार एकदम बढ़िया, यहाँ पे आप देख सकते हो 2-zone AC है तो यहाँ पे अलग कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे अलग कंट्रोल्स हैं, AC वेंट्स, काफ़ी शानदार सी इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे दी हुई है। ये है तो अलग अलग, दोनों के बीच में गैप है बट जब बंद हो जाती है तो समझ में आता नहीं है कि मतलब कहाँ से मतलब ये मर्ज हो रही है, कहाँ से अलग हो रही है। बाकी ये सभी कनेक्टेड फीचर्स के साथ आती है और जितना स्मूथ आपके फ़ोन का टच होगा एज इट इज़ उतना ही ज़्यादा स्मूथ है ये। आप देख सकते हो यहाँ पे मैप, नेविगेशन, फोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, क्लाइमेट वगैरह सब यहाँ से आप अपना कंट्रोल कर सकते हो। हेजर लाइट की बटन है, AC के कंट्रोल्स हैं और अपने मीडिया के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नीचे एक साइड आप देख सकते हो थोड़ी स्पेस वगैरह यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे भी स्पेस मिल जाती है। एक 12 चार्जिंग सॉकेट है, USB पोर्ट है, टाइप C पोर्ट है,
यहाँ पे आ जाता है 6-speed का मैनुअल गियर लिवर, ये कुछ इस तरीके से पूरा ग्लॉसी पैनल है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, व्यू के बटन भी यहाँ पे आपको मिल जाती है, आप देख सकते हो बटन दबाते ही ये यहाँ पे ऑन हो जाता है। कैमरा ग्रैब हैंडल यहाँ पे एक अच्छा सा मिल जाता है, यहाँ पे कप होल्डर्स हैंड ब्रेक सिल्वर टिप के साथ, आर्म रेस्ट है, स्लाइड नहीं होता बट इसे आप यूज कर सकते हो, अच्छी खासी स्पेस इसके अंदर आपको मिल जाती है। और एक स्मार्ट आर्म रेस्ट है इसके अंदर, आप देख सकते हो एयर प्योरीफायर भी दिया हुआ है। बाकी ये सब कुछ सॉफ्ट टच है यहाँ पे, और यहाँ की बातचीत करें तो अच्छी खासी स्पेस यहाँ पे भी मिल जाती है ग्लो बॉक्स के अंदर। सो ये तो था इसका इंटीरियर का डैशबोर्ड व्यू, जो कि शानदार है। सीट्स कंफर्टेबल है, नो डाउट मजेदार सीट्स का, मतलब बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे रिलैक्स होकर आप गाड़ी चला रहे हो। बाकी और आपको अगर कुछ जानना है, फिर कुछ रह गया मुझसे कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दूं। बाकी अब इसकी रेयर सीट पे चलते हैं, पीछे क्या कंट्रोल्स हैं, क्या कंफर्ट है, उसकी बातचीत कर लेते हैं। सो अभी बात करें गाड़ी की रेयर सीट के बारे में। सो जी ये देख लो, एकदम बढ़िया प्राइवेसी यहाँ पे मिलती है। पीछे आपको शायद ज़्यादा मजा आए इस गाड़ी के अंदर बैठ के, कैसे उसकी बातचीत करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कर्टन आपको मिल जाते हैं, जो कि कंपनी फिटेड है, धूप डायरेक्ट अंदर नहीं आती, थोड़ा प्राइवेसी वाला माहौल जो है वो बना रहता है। बाकी यहाँ पे सब कुछ सेम है, सॉफ्ट टच है प्रॉपर, आप देख सकते हो प्रॉपर लेदर दिया हुआ, ये भी लेदर है, पावर विंडो कंट्रोल, स्पीकर, बोतल होल्डर, सब कुछ है। स्कब प्लेट्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं सेम जैसी आ गए, यहाँ पे भी सेल्टोस मेंशन है। अभी अंदर चलते हैं गाड़ी के अंदर की बातचीत करते हैं। तो ये लो जी, ये सेगमेंट इसीलिए इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ कि इसके अंदर ना हर वो चीज़ थी जो एक बंदे को चाहिए होती है। कंफर्ट है, 5-seater है, प्रीमियम है, टॉप नॉच फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, वो ही सारी चीज़ें हैं। जैसे कि स्पेस में कोई कमी नहीं है, थाई रूम देख सकते हो, लेग रूम आप देख सकते हो, और यहाँ पे हेड रूम भी आप देख सकते हो कितना मैं आराम से बैठा हुआ हूँ फिलहाल। यहाँ पे पॉकेट्स मिल जाती हैं दोनों ही सीट्स पे, रेयर एसी वेंट्स हैं, पीछे भी दो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स आपको दिए हुए हैं, और यहाँ पे एयर प्योरीफायर तो आता ही है। 1, 2, 3, 4, 5 एडजस्टेड हेड रेस्ट हैं, बीच में आर्म रेस्ट है, कप होल्डर्स के साथ है, 3-point सीट बेल्ट्स हैं, 60-40 का ऑप्शन है वो मैंने आपको दिखा दिया, पूरी पैनोरामिक सनरूफ आती है, 1, 2, 3 ग्रैब हैंडल से कुछ ऐसे इजी फोल्ड हो जाते हैं जो कि, और यहाँ पे व्हाइट लाइट दी हुई है, केबिन लाइट जो है व्हाइट मिलती हैं, और ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू। बाकी कुछ रह जाए यहाँ से तो प्लीज़ पूछना कमेंट्स में। अभी इसका इंजन बे और दिखा देता हूँ आपको कि इंजन बे के अंदर क्या है और क्या पावर फिगर से आपको डेवलप करके दे देती है गाड़ी। सो बात करें गाड़ी के इंजन कंपार्टमेंट के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंसुलेशन पैडिंग आपको दी हुई है, जो कि आप प्लस पॉइंट के तौर पे काउंट कर सकते हो, क्योंकि इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है, लिटरली बहुत स्मूथ इंजन है। ये यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है 1.5 लीटर्स का 4-cylinder नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि आपको डेवलप करके देता है 113 bhp, 144 nm का टॉर्क, 50 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है गाड़ी के साथ, जिससे 17 की माइलेज कंपनी क्लेम कर देती है। काफ़ी शानदार सा इंजन है यहाँ पे, ये इसकी बैटरी प्लेसमेंट है, फ्यूज बॉक्स वगैरह यहाँ पे है, कूलेंट वगैरह यहाँ से डलेगा, वाइपर फ्लूइड, ब्रेक ऑयल वगैरह से, कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। और एक सेकंड इसको कर लेते हैं बंद और फिर मिलते हैं फटाफट से। सो ये थे आपके सामने किया सेल्टोस 2024, ये इसका STX वेरियंट था, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, पहले भी अच्छे खासे फीचर्स के साथ आता था STX वेरियंट, और ये उन बंदों के लिए बेस्ट है जिनको टॉप मॉडल नहीं लेना है और वाइब चाहिए पूरी टॉप मॉडल वाली। सो आप इस वेरियंट की तरफ जा सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आते हैं, पूरी वीडियो आपने देख ली होगी अगर यहाँ तक आप देख रहे हो। क्या ओपिनियंस इसके बारे में मुझे बताना कमेंट्स में, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस गाड़ी बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट्स में ज़रूर से बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।